प्यारे दोस्तों, पटवारी चयन परीक्षा के फॉर्म भरे जा चुके हैं। आप लोगों ने सबने पटवारी का फॉर्म भर दिया है और अब आप लोगों के पास है पटवारी के लिए 2 महीने से भी कम समय। पटवारी की तैयारी, 8 बड़े बड़े सब्जेक्ट और समय बचा है मात्र 2 महीने से कम। तो अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न होगा कि क्या अब भी हम अगर जुटकर लगकर मेहनत करें तो क्या हमारा चयन हो जाएगा? तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अब भी आप पूरे जोश जुनून के साथ तैयारी में जुट जाओगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी इस समय सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो आपके लिए है वो ये है कि आप 15 फरवरी तक, आज से ही आप जुट जाओ, 15 फरवरी तक ये जो 8 सब्जेक्ट है, इन पूरे 8 सब्जेक्ट के कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कर लो, चाहे बुक्स के माध्यम से, चाहे आप इनको वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हो तो वीडियो के माध्यम से, या फिर किसी भी माध्यम से आप पढ़ रहे हो। आप लोगों को जल्दी से जल्दी 15 फरवरी से पहले पूरा कंटेंट एक बार पढ़ देना है, एक बार अपनी नज़रों के सामने से घुमा देना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप जब एक बार पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद फिर आपको 15 फरवरी से फोकस करना है टेस्ट लगाने पर। टेस्ट लगाने में आपको सावधानी बरतनी है। आप लोगों को टेस्ट ऐसे लगाने हैं जिसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन भी साथ में मिल जाए। थोड़ा धैर्य रख के अगर आपने टेस्ट लगाना शुरू किया तो आपको उन कमजोर विषयों के बारे में भी पता चलेगा जो आपके कमजोर हैं, जिनमें आपके कम नंबर आ रहे हैं। फिर उन पर मेहनत आप बाद के 1 महीने में कर सकते हैं, केवल उन विषयों पर जिनमें आपके कम नंबर आ रहे हैं। अभी की पटवारी की यह स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बेस्ट है। समय समय पर और आगे आपको क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा, वीडियो लेकर आऊंगा। आज इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। आपका भी आरक्षक वाले विद्यार्थी जो हैं उनके लिए परीक्षा बिल्कुल करीब है, आ गई है, वो आप पूरा फोकस टेस्ट पर करें। सत्यधीश शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन पर 99 में आपका भी आरक्षक के टेस्ट मिल रहे हैं। पटवारी लक्ष्य पेज जिसमें 10 घंटे की लाइव क्लास है वो भी इस समय लेने का अंतिम मौका आप लोगों को एप्लीकेशन पर है। आप लोग किसी भी माध्यम से पढ़ें लेकिन इस समय कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ पाएं। सर्दी का समय चल रहा है, पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण है। आप इस समय चाहें तो 16-16 घंटे भी पढ़ सकते हैं, अगर हिम्मत, जोश, जज्बा, जुनून आपके अंदर है तो। आप लोग ये फोकस करो, ये देखो कि आपके चयन से कितने लोगों का जीवन सुधरेगा, आपके परिवार का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसी पॉजिटिव बातें सोचते हुए, अपने अंदर के जोश जुनून को जगाते हुए आप तैयारी में जुट जाओ। अब भी अगर मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉर्म भरने के बाद ही जागते हैं। पोस्ट बहुत सारी है, आप लोगों का नंबर भी आ ही जाएगा अगर आज भी आप दृढ़ संकल्पित होकर तैयारी में जुट जाते हैं तो। तो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। आगे इसी तरह के और वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। आप कमेंट में जरूर अपनी समस्या के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में अवगत कराएं। आगे हम मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। भारत माता की जय।